नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। एक बार फिर से हम बात करेंगे आपके साथ भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस को लेकर। दरअसल आकांक्षा दुबे का जो केस है वो और ज्यादा पेचीदा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर भले ही मुख्य आरोपी समर सिंह पुलिस की कैद में हो, लेकिन अभी तक इस मामले पर सच क्या है, सच्चाई क्या है, आखिर क्या हुआ था 26 मार्च की रात आकांक्षा दुबे के साथ, ये अभी सवाल बना हुआ है। यहाँ पर हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर आकांक्षा दुबे ने जान क्यों दी। अपने करियर के पीक पर पहुंच चुकी आकांक्षा दुबे ने महज 25 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ उस होटल के कमरे में कि आकांक्षा दुबे को अपनी जान देनी पड़ी, और जो वीडियोस उनके जाने के बाद वायरल हो रही है, आखिर वो वीडियो उनके जाने से पहले सामने क्यों नहीं आई। और अगर समर सिंह इतना ज्यादा आकांक्षा को टॉर्चर कर रहा था तो इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया आकांक्षा ने। आखिर आकांक्षा ने इस बारे में खुलासा पब्लिक के सामने क्यों नहीं किया। क्या उसे जान देना सही लगा इस जगह कि वो समर का सच सभी जनता को बता दे, या फिर इसके पीछे किसी और का दबाव था, या आकांक्षा के साथ उसके हादसे की साजिश रची गई। ऐसे कई तरह के सवालों की लाइन अब भी है, ये सवाल अब भी बरकरार है। एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है आकांक्षा दुबे के मामले को, लेकिन पुलिस की इस जांच में अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई। अभी तक ये सच पता नहीं लगा पाई पुलिस कि आखिर समर सिंह ने वाकई आकांक्षा के साथ कुछ गलत किया था या फिर नहीं। यहाँ पर जिस तरह की वीडियोज और खबरें वायरल हो रही है लगातार समर सिंह के खिलाफ, उस पर अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर अभी तक पुलिस समर सिंह के परिवार को नहीं ढूंढ पाई। यहाँ पर अभी तक पुलिस उन आरोपियों को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई जो इस वक्त आकांक्षा दुबे मामले पर शक के दायरे में है। ऐसे में आज हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में पल्लवी सिंह को लेकर। ये वो एक्ट्रेस है भोजपुरी इंडस्ट्री की जो बेबाकी तरीके से आकांक्षा दुबे को बुरा और समर सिंह का सपोर्ट करती नजर आ रही है। आखिर क्या है पल्लवी सिंह का सच, देखिए रिपोर्ट। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का केस लगातार उलझता जा रहा है। ऐसे में आकांक्षा दुबे के केस से जुड़ी खबरें तो सामने आ ही रही है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे सितारे भी हैं जो इस मुद्दे पर बेबाकी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनकी इस बेबाकी को देखते हुए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है, आखिर वो कौन कौन लोग हैं जो आकांक्षा दुबे के मामले पर बोलते नजर आ रहे हैं। समर सिंह जो कि आकांक्षा दुबे का असली आरोपी है, उसी समर सिंह के सपोर्ट में खड़ी है ये एक्ट्रेस। आखिर कौन है ये एक्ट्रेस, क्या है इसका रिश्ता समर सिंह के साथ, तो बताते चले कि एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि पल्लवी सिंह है। दरअसल भोजपुरी के देसी स्टार और आकांक्षा दुबे के मुख्य आरोपी समर सिंह, जो पहले करोड़ों दिलों पर राज किया करते थे, वो अपनी बेहतरीन गायकी के लिए जाने जाते हैं। उनका कोई भी सॉन्ग आता है तो वायरल हो जाता है, धूम मचाता है। अब ऐसे में एक्टर का एक और गाना यूट्यूब पर बवाल मचा रहा है। उस गाने के बोल भतार ओठ लाली परसी जियाता है। इस गाने के वीडियो को 5 मिलियन से ज्यादा बार देख चुके हैं लोग, और ऐसे में लोग इस गाने को खूब पसंद भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो को GMG ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर किया गया है। इस गाने के साथ एक्ट्रेस समर सिंह के साथ एक्ट्रेस पल्लवी सिंह अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हुई नजर आ रही है। इसमें उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, वो कमाल की लग रही है। आपको बता दें कि गाने की वीडियो में समर सिंह और पल्लवी सिंह देवर भाभी का रोल प्ले कर रहे हैं। दोनों के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोनों बेहतरीन डांस मूव्स भी दिखा रहे हैं, इसमें वो काफी एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं। इस गाने को चिलचिलाती गर्मी के मौसम में देखते हुए फिल्माया गया है, और देखने को मिल रहा है कि कैसे एक्ट्रेस पति और दूसरे देवर से परेशान है। पति तो उनकी लिपस्टिक को ही देखता रहता है और दूसरा देवर यहाँ पर बिजी रहता है, कोई भी उनका ख्याल नहीं रखता। इसी को लेकर इस गाने को समर सिंह और पल्लवी सिंह ने फरमाया है। दोनों स्टार शानदार डांस स्टेप दिखा रहे हैं। इस गाने में एक्ट्रेस के एक्सप्रेशन कमाल के हैं। गाना भतार ओठे लाली पीएस चियता को
समर सिंह के साथ सिंगर नेहा राज ने गाया है। इनकी जोड़ी इससे पहले भी काफी हिट गाने दे चुकी है। इन्हें काफी पसंद किया जाता है। गाने के वीडियो में तेज देहाती परिवेश दिखाया गया है। वीडियो में समर सिंह ने एक बार फिर से देसी लुक में फैंस का दिल जीत लिया है। इससे काफी पसंद किया गया। गाने के निर्माता राजकुमार सिंह है। गाने के गीतकार आलोक यादव, संगीतकार भीमराव पांडे है, वीडियो डायरेक्टर गोल्डी जायसवाल, डीओपी संतोष यादव, कोरियोग्राफर बॉबी जैक्सन है। आपको बता दें कि सबसे पहले तो ये कनेक्शन है समर सिंह के साथ पल्लवी सिंह का, जहां पर दोनों किस तरह से गाना गाते हुए नजर आए, दोनों किस तरह से यहां पर एक दूसरे के साथ अपनी केमिस्ट्री बनाते नजर आए, इसका खुलासा तो किया ही। लेकिन साथ ही अब आपको बताते चलते हैं कि अब पल्लवी सिंह, जो कि लगातार कई छोटे YouTube चैनल्स को अपना इंटरव्यू दे चुकी है, अपना स्टेटमेंट दे चुकी है, और पल्लवी सिंह के इन्हीं बयानों के बाद अब सवाल उठ रहा है पल्लवी सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। दरअसल पल्लवी सिंह ने यहां पर आकांक्षा दुबे मामले पर बोलकर खुद पर ही मुसीबत मोल ली है, ऐसा कहा जा रहा है। खबरों में कहा जा रहा है कि यहां पर पल्लवी सिंह ने जिस तरह से आरोपी समर सिंह का सपोर्ट किया है और आकांक्षा दुबे के खिलाफ बोली है, और यहां पर कहा जिस तरह से उन्होंने आकांक्षा दुबे की स्मोकिंग करते हुए वीडियो दिखाई थी और कहा था कि ये देखिए आकांक्षा ही है, ये देखिए आकांक्षा किस तरह से नशा करती है, किस तरह से सिगरेट पीती है। हर किसी को लगता है कि वो सिगरेट नहीं पीती है, लेकिन आकांक्षा हर एक नशा करती थी, ऐसा खुलासा खुद यहाँ पर पल्लवी सिंह ने किया और सभी को सच बताया। इसी के साथ आपको बताते चले कि पल्लवी सिंह ने आकांक्षा दुबे की नशा करती हुई वीडियो, यानी कि सिगरेट पीती हुई वीडियो अपने इंटरव्यू के दौरान दिखाई थी, जिसके बाद ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। यहाँ आपको बताते चले कि इसी के साथ यहाँ पर खबर आ चुकी है आकांक्षा दुबे को लेकर, जहाँ पर पल्लवी सिंह ने सिर्फ वीडियो दिखाकर दावा नहीं किया कि आकांक्षा दुबे यहाँ पर नशा करती है, बल्कि इस बात का खुलासा भी किया कि कैसे यहाँ पर उसके साथ खेल खेला गया है। समर सिंह को निर्दोष बताया है पल्लवी सिंह ने, और साफ तौर पर इस बात का खुलासा किया है कि समर सिंह निर्दोष है, बल्कि असली मास्टरमाइंड आकांक्षा दुबे मामले में आकांक्षा दुबे की माँ यानी कि मधु दुबे है। मधु दुबे ने दिया है धोखा, मधु दुबे ने खेला है खेल किसी और के साथ नहीं बल्कि समर सिंह के साथ, और लगाया है समर सिंह पर बहुत ही बड़ा आरोप। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ऐसी खबर सामने आ चुकी है किसी और को लेकर नहीं बल्कि पल्लवी सिंह को लेकर, और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और जिस तरह से पल्लवी सिंह ने खोली है आकांक्षा दुबे की माँ की पोल और बताया है उस हादसे का असली मास्टरमाइंड मधु दुबे को, कहा है कि मधु दुबे झूठ बोल रही है, उनकी बेटी आकांक्षा हर एक नशा करती थी और इसी नशे की वजह से उसकी जान भी गई। तो ऐसे में अब सिर्फ नशा करने की बात ही सामने नहीं आई, बल्कि यहाँ पर कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने इस बात का दावा कर दिया कि आकांक्षा दुबे सिर्फ सिगरेट नहीं पीती थी बल्कि वो ड्रिंक भी करती थी, वो ड्रग्स भी लिया करती थी, ऐसा भी खुलासा किया गया है। आपको बताते चले कि पल्लवी सिंह के इन्हीं बयानों के बाद जो चाहने वाले हैं यहाँ पर आकांक्षा दुबे के फैंस, वो लगातार पल्लवी सिंह को रिमांड पर लेने के बाद कह रहे हैं। जिस तरह से आकांक्षा दुबे को लेकर इंटरव्यू में खुलासा किया है पल्लवी सिंह ने, और तो ऐसे में अब खबर है कि फैंस डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस एक बार पल्लवी सिंह को भी रिमांड पर ले और उनसे सवाल जवाब करे, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए कि आखिर पूरा सच क्या है, आखिर पूरी सच्चाई क्या है, आखिर क्या चाहती है यहाँ पर पल्लवी सिंह, क्यों आकांक्षा दुबे के मामले पर इस तरह से गुस्से से आकांक्षा के खिलाफ बोल रही है, आखिर क्या है पूरा कनेक्शन और क्या है पूरा सच, ये सारे सवाल उठ रहे हैं लगातार यहाँ पर पल्लवी सिंह को लेकर। तो ये है पूरी अपडेट इस मामले को लेकर, जिसका खुलासा हमने कर दिया है आपके सामने और आपको बता दिया है सच पल्लवी सिंह को लेकर। तो ये है पूरी रिपोर्ट पल्लवी सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, जहाँ पर कई ऐसी खबरें वायरल हुई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अपने स्टेटमेंट देने के बाद बुरी तरह से पल्लवी सिंह फंस चुकी है और अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इस खबर का दावा हम बिल्कुल भी नहीं करते, इस खबर की पुष्टि हम बिल्कुल भी नहीं करते। ये खबर सिर्फ वायरल हुई थी, जिसका खुलासा हमने कर दिया है आप सबके सामने इस रिपोर्ट के जरिए। तो आप सबको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी
जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये था पल्लवी सिंह का सच, जिसका खुलासा हमने कर दिया आपके सामने और आपको सच के साथ रूबरू भी करवा दिया। आपको बता दिया सच कि आखिर सच्चाई क्या है, राज क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। समर और पल्लवी सिंह के कनेक्शन से लेकर यहाँ पर राज खोला हमने पल्लवी की गिरफ्तारी को लेकर। तो आप सबको हमारी ये रिपोर्ट आखिर कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए साथ साथ